एवरीवन, दिस इज तबसुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिया है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ एंड आपको उस क्वेश्चन का मतलब भी समझाऊंगी। सो क्वेश्चन में दिया गया है, यू आर लॉक्ड आउट ऑफ योर हाउस एंड द ओनली ओपन विंडो इज ऑन द सेकेंड फ्लोर 20 feet अबव द ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन में क्या है ना कि सपोज आप घर के बाहर लॉक हो चुके हो और घर के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही वे है और वो क्या है, एक ओपन विंडो है जो कि सेकेंड फ्लोर में है और वो हमारा 20 feet अबव द ग्राउंड है, यानी जो वो विंडो है वो ग्राउंड से 20 feet के ऊपर, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो 20 feet ग्राउंड से है। अब क्या है ना, यू नीड टू बोरो अ लैडर फ्रॉम वन ऑफ योर नेबर्स। अब ओबियसली हमें घर के अंदर घुसना है तो कैसे घुसेंगे, तो क्या है ना, नेबर से हमें एक लैडर, एक सीढ़ी बोरो करना है, उनसे मांगना है। देयर इज अ बुश अलॉन्ग द एजेस ऑफ द हाउस। अब क्या है यहाँ पे और एक मुश्किल है कि जो हाउस है, हाउस के चारों तरफ क्या है ना, बुशेस है यानी झाड़ियाँ वगैरह है, तो वहाँ से तो आप चढ़ नहीं सकते, तो क्या करना है आपको, सो यू विल हैव टू प्लेस द लैडर 15 feet फ्रॉम द हाउस। अब हमें क्या करना, जो लैडर है यानी सीढ़ी, वो हमें जो घर के जो बेस से 15 feet के दूरी पर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, ओब्वियसली व्हाट लेंथ ऑफ लैडर डू यू नीड टू रीच द विंडो। अभी हमें वो कितने लेंथ का लैडर है वो विंडो रीच करने के लिए, वो लैडर का यानी वो सीढ़ी का हमें लेंथ निकालना है, उसका लंबाई निकालना है। तो अगर हम इसे समझे इस तरह से, सपोज ये हो गया हमारा हाउस, ठीक है, अब हाउस का ये हो गया विंडो, सेकेंड फ्लोर में जो विंडो है, अब ग्राउंड से दिया गया है कितने फीट की दूरी में, 20 feet, यानी ये जो ग्राउंड से ये ऊपर तक कितना फीट है, ये 20 feet, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ से बेस से हमें कितने दूर में सीढ़ी को रखना, लैडर को रखना है कितने दूर में, यहाँ दिया है 15 feet, क्योंकि आप एकदम से किनारे में रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बुशेस वगैरह झाड़ी वगैरह, तो हमें इतने दूर में रखना है कितना, 15 feet। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये लेंथ निकालना है सीढ़ी का, ये जो सीढ़ी हम डालेंगे यहाँ पर लैडर, सपोज मैं ऐसे लिख कर रिप्रेजेंट करती हूँ, ये लैडर हो गया आपका, ठीक है। सो ये लैडर का लेंथ क्या होगा ये हमें निकालना है। अब आप देख रहे होगे जब मैंने डायग्राम बनाया तो ये क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है एंड ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। सो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखिए परपेंडिकुलर बेस, ये एकदम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी साइड्स दिया, लाइक यहाँ पर दो साइड्स दिया है, हमें तीसरे साइड को फाइंड करना है ना, तो आप कौन से वे से फाइंड कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होगा। तो जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है ना, तो इसका जो ऑपोजिट साइड, यानी ये हो गया ऑपोजिट साइड, तो ये होता है हमारा ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, सपोज हम अप्लाई जब करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख देती हूँ, सो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा किससे, जो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर। सो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, हमें हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं गया है तो हम इसको ऐसे ही एच ही रखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना दिया गया हमें, इसका दिया है 20 feet, सो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना हमारा 15, ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब पुट करते हैं यहाँ पे, अगेन सॉल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रहता है ऐसे ही, 20 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 225, ऐड कर लेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 625, है ना। अब ये स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड यानी राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो दूसरे साइड आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो गया 625। अब क्या होता है हमारा 625 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू 25। सो हमारा हाइट कितना आ गया 25, यानी हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25, यानी ये जो लेंथ है लैडर का वो हमारा आ गया 25 और हमारा यूनिट क्या हो गया फीट। सो हमें ये जो विंडो है, जो सेकंड फ्लोर पे विंडो है, उसे रीच करने के लिए हमें जो लैडर बोरो किया उसका लेंथ 25 फीट होना चाहिए, तभी आप रीच कर पाओगे। अगर छोटा हुआ तो नहीं, अगर बड़ा हुआ तो उतना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय.